हुए सभी धर्मों के सभी मजहबों के अनुयायी जो थे वो उनके शिष्य रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब उन्होंने देह का शरीर का त्याग किया तो जो नश्वर शरीर रह गया उसके ऊपर उनके शिष्यों में एक वाद विवाद हो गया कि जी हम इन्हें दफन करना चाहेंगे और हम इन्हें अंतिम संस्कार करना चाहेंगे। और ये कहा जाता है कि मगहर में एक जगह है जिसे कबीर चौरा कहते हैं, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सा था, उनके पार्थिव शरीर को वहाँ रख करके जो उनके शिष्य थे एक जगह बैठ करके पंचायत करने लगे भी इस पर कोई निर्णय किया जाए कि क्या इनको दफन करें या इनको संस्कार करें। और ये कहते हैं कि जब वो लौट के आए उस परम सत्ता ने सशरीर उनको अपने साथ ले गई और जहाँ पर उन्होंने शव रखा था वहाँ पर कुछ फूल खिले हुए थे, चद्दर के नीचे कुछ फूल खिले हुए थे जो फिर उनके शिष्यों ने आपस में बांट लिए उनकी खुशबू को हर मजहब हर दीन धर्म में फैलाने के। तो ऐसे महान संत को आज उनके प्रकट अवसर पर हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए हार्दिक नमन करते हुए एक बार फिर से आप सभी का